Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. 2 अप्रैल 1884 को थॉमस स्टीवंस अपनी पेनी के साथ दुनिया की सैर पर निकल गए। इस खतरनाक सफर पे पेनी ने उनका हर मोड़ पर साथ दिया, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि अगर पेनी नहीं होती शायद थॉमस इस एपिक जर्नी को पूरा नहीं कर पाते। कौन थी ये पेनी और क्या रिश्ता था पेनी और थॉमस का, आइए देखते हैं। पेनी फार्थिंग, ये था पेनी का पूरा नाम। लेकिन क्या रिश्ता था पेनी और थॉमस का? जी, पेनी थॉमस की गर्लफ्रेंड या बीवी नहीं थी, बल्कि उनकी साइकिल थी। पेनी फार्थिंग आजकल की साइकिलों से अलग थी, जिसका एक पहिया बड़ा होता था, जिस कारण वो कम समय में ज्यादा दूरी तय कर पाती थी, और इसीलिए थॉमस ने इस साइकिल को चुना दुनिया घूमने के लिए। थॉमस एक ट्रू एडवेंचरर थे और इस सफर के लिए पेनी के अलावा उन्होंने कुछ ही चीजें ली। एक एक्स्ट्रा शर्ट, कुछ सॉक्स, एक रेनकोट जो मौके पे टेंट का काम भी करता था, और .38 स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर। इस आइकॉनिक जर्नी को थॉमस ने अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को से शुरू किया और जापान में योकोहोमा पे खत्म किया। उनकी ये जर्नी मुश्किलों से भरी थी। कभी टर्की में डाकू पीछे पड़ गए तो कभी अफगानिस्तान में पुलिस ने परेशान किया। रशिया में तो उन्हें एंट्री ही नहीं मिली, क्योंकि रशियंस को लगा कि थॉमस अमेरिकन जासूस हैं। लेकिन 1 अगस्त 1886 में वो भारत पहुंच ही गए। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था। शुरुआत में यहां की गर्मी ने उनके पसीने छुड़ा दिए, लेकिन जब उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड पर सफर शुरू किया तब जाकर उन्हें चैन आया। जीटी रोड पर अपने मजेदार सफर के बारे में वो लिखते हैं, बेशक ये सड़क दुनिया की सबसे बेहतरीन हाईवे है। डांबर यानी एस्फाल्ट और कंकड़ से बनी ये सड़क चौड़ी और समतल तो है ही, रोड के ज्यादातर हिस्से पर दोनों तरफ छायादार पेड़ लगे हैं। थॉमस का पहला बड़ा स्टॉप था अमृतसर। वो लिखते हैं, उस वक्त अमृतसर में एक रात के डीलक्स होटल का किराया था ₹4, जिसमें आपको रात का खाना, एक चारपाई और छोटा हजारी यानी शाम का नाश्ता भी मिलता था। थॉमस ये सोचकर हैरान थे कि यहाँ के लोग इतनी भयंकर गर्मी का सामना कैसे करते हैं। लेकिन फिर उन्होंने यहाँ का जुगाड़ू पंखा देखा। ये पंखा एक लंबा कपड़ा होता था जो रस्सी के जरिए सीलिंग से लटका होता था। उस पंखे से एक दूसरी रस्सी बंधी होती थी जो किसी छेद या खिड़की से कमरे के बाहर जाती थी। बाहर बैठा पंखे वाला 3 आने के लिए उस रस्सी को हिलाकर पंखे से ठंडी हवा देता था, ताकि उसके साहिब आराम से सो सकें। थॉमस अमृतसर से साइकिल पे जलंधर और अंबाला गए। इंडिया आए उन्हें अब 6 दिन हो गए थे और अभी तक उनका एक्सपीरियंस बाकी जगहों के मुकाबले काफी बढ़िया था। इंडिया में लोग उन्हें मिलनसार लगे। थॉमस लिखते हैं, भारतीय लोग बिल्कुल तंग नहीं करते, बल्कि उनका आदर सत्कार करना और परंपराओं से जुड़ा होना काबिले तारीफ है। सिखों की खातिरदारी और मेहमान नवाजी की उन्होंने बहुत तारीफ की है। यहां से वो पैडल मारते दिल्ली और वहां से यूपी के शहर बोगन पहुंचे। बोगन के एक मंदिर के दृश्य ने थॉमस और पेनी दोनों को अचंभित कर दिया। वहां उन्हें सिर्फ जोड़े दिखाई दिए। वो हैरान, क्योंकि कोई अकेला इंसान या बूढ़ा ना दिखे। जब उन्होंने पूछताछ की तो शर्म के मारे कोई जवाब भी ना दे। फिर उन्हें बाद में पता चला कि वो कामदेव का मंदिर है, जहां प्रेमी और विवाहित जोड़े मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। अगले 27 दिनों तक थॉमस उत्तर भारत में नए नए अनुभव लेते रहे। जैसे मिरन सराई में उन्होंने टॉडी वाइन टेस्ट की, कानपुर में कपड़े की मिलें और कारोबार देखा। थॉमस स्टीवंस को अब काफी लोग जानने लग गए थे। ब्रिटिश सैनिक उनसे मिलने को उत्सुक उन्हें अपने कैंट में बुलाते थे। सैनिक उनके लिए काफी पकवान बनाते और उनसे सफर के किस्से बताने को कहते थे। इंडिया के सबसे पुराने बाइसिकल क्लब ऑफ कोलकाता और अलाहाबाद ने भी उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया। कोलकाता के बाद थॉमस और पेनी ने भारत को अलविदा कहा और वो बोट में बैठकर चाइना निकल गए।
थॉमस जाते समय भारतीय लोगों की खातिरदारी और मेहमान नवाजी के बारे में बताते हैं कि लोगों ने उनसे खाना और पानी के लिए तो पूछा ही, साथ में डॉक्टर और दवाइयां भी पूछी। काफी भाग गए उन्हें यहाँ के लोग। वो लिखते हैं, मैं बिना शंका के ये कह सकता हूँ कि मेरा ट्रंक रोड का सफर मेरी पूरी यात्रा का सबसे आनंदमय हिस्सा है। ये सफर और भी सुखद होता अगर तापमान कम होता। स्टीवन का शानदार साइकिल का सफर खत्म हुआ 17 दिसंबर 1886 योकोहोमा जापान में। उनके सफरनामे की आखिरी लाइन है, साइकिल पर कुल दूरी लगभग 13,500 मील। इस ऐतिहासिक सफर के बाद वो वर्ल्ड फेमस हो गए और आज उनका नाम वर्ल्ड ट्रैवल के पायनियर्स की श्रेणी में लिया जाता है। थॉमस और पेनी की चाह थी पूरी दुनिया देखने की, और वो कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। अगले एपिक एक्सप्लोरर को ज्यादातर हिस्टोरियंस रिलक्टेंट ट्रैवलर के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रैवल करने से डर लगता था। अब्द अल रज़ाक, उन्हें ट्रैवल करना क्यों नापसंद था और अंत में ऐसा क्या हुआ कि अचानक उन्हें भारत से निकाल दिया गया? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।